प्रसाद ग्रहण करते हैं। जय माता दी। दोस्तों जो सेवा है वो बहुत ही अच्छी है, उसका कोई जवाब नहीं है। और भंडारे में है चाय और झंगोरे की खीर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और अभी हम मंडल में हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं मंडल हूँ और अभी हमारी तैयारी है अनसुया माता मंदिर जाने की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज अनसुया मेला है कल और आज में, तो कल हम ऊपर मंडल तक ही गए थे और आज हमको जाना है ऊपर अनसुया माता मंदिर तक। हमारे साथ कृष्णा और एक दीदी है मेरी बुआ की बेटी, तो वो दोनों, उन दोनों ने गोपेश्वर से आना है, तो वो दोनों चले गए ऊपर मंडल पे, तो वहीं पे रुके हैं वो हमको। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं, सालनी और ईसा। और बाकी ना अभी सुबह का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा, इसलिए मैं ऐसे सॉल से ढक रखी हूँ पूरी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको माता रानी के दर्शन भी कराऊँगी। तो बहुत से लोग तो जारखे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जारखे होंगे अनसुया माता मंदिर, तो मैं आप लोगों को दर्शन करा दूंगी। आप साक्षात दर्शन करना मेरे ब्लॉग के माध्यम से, और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, तो जैसा भी होगा जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल वो दोनों आगे चले गए हैं, तो चलो अब मैं भी चलती हूँ जल्दी से। मतलब सुबह जल्दी जाएंगे तो ठीक ही है, मतलब टाइम पे पहुँचेंगे तो थोड़ा टाइम मिल जाता है वहाँ रुकने का। फिर मंदिर में भी बहुत भीड़ रहती है तो दर्शन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के दिन, क्योंकि आज बहुत भीड़ रहती है वहाँ। तो देखते हैं जो भी होगा, तो इसीलिए हमने सोचा सुबह जल्दी चले जाते हैं और रोड में बहुत भीड़ है, सभी लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो चलो दोस्तों थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, वो लोग चलेगी आगे और मेरे हाथ काम नहीं कर रहे ठंड से, मुझसे फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपको। तो एक बार सभी कमेंट में भी लिख दो जय माता। तो दोस्तों सिरोली गांव में हम पहुंच गए और जो मैं दीदी की बात कर रही थी, तो ये हैं दीदी, हेलो, और ये है कृष्णा। तो ये दोनों हमसे थोड़े पहले पहुंच गए थे और बाकी हम सिरोली गांव में पहुंच गए। और यहाँ से तो अभी बहुत दूर है, कितना किलोमीटर साहब है? चार पाँच। तो यहाँ से लगभग अभी 4-5 किलोमीटर दूर है और अभी धूप की कोई संभावना नहीं है इधर को, हाथ बहुत ठंडे हो गए और मेरे से तो फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। तो आराम आराम से चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हाय कृष्णा। हो गया। चाय पियो, भंडारा। दोस्तों चलते चलते पहुँचे हम सिरोली गांव के ऊपर और यहाँ पे भंडारा लगा है और भंडारे में है चाय और झंगोरे की खीर। तो फिलहाल तो मैं खीर नहीं खा रही, हम चाय पीते हैं और ये खा रही है खीर। देखो चाय से भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये आज दिन भर में ऐसी रहेगी शाम तक, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं सुबह से शाम तक। तो दोस्तों लगभग आधे रास्ते हम पहुंच गए और यहाँ पे भी भंडारा है, तो यहाँ पे चाय पी रहे हैं। और ये है पुलाव, तो ये मैंने भी खाया अभी तक थोड़ी, और दीदी लोग चाय पी रहे हैं। और लगभग हम आधा पहुंच गए ना, तो लगभग आधा पहुंच गए और बस जितना हम आए हैं इतना ही और रह गया,
और सारे रास्ते ना बहुत सारे भंडारे लगे हैं, फ्री सेवा है और खाना बहुत ही टेस्टी बन रखा है। नीचे पे खीर थी और यहाँ पे पुलाव बन रखा है, चाय तो सारे रास्ते मिल रही है, चाय गर्म पानी। तो जो सेवा है वो बहुत ही अच्छी है, उसका कोई जवाब नहीं है। और ये लगे हैं तो जाते हैं आराम से। तो दोस्तों थोड़ा ही रह गया, अब बस इसके बाद 11 बैंड आने हैं और बैंड के ऊपर थोड़ा सा थोड़ी सी दूर जाना है और फिर उसके बाद हम पहुँचे मंदिर में। तो आ जाओ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर में हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं, आपको भी दिखाएंगे। आ जाओ दोस्तों, बस लास्ट चढ़ाई रह गई है और जो चढ़ाई है वो 11 बैंड मैंने आपको बताए थे, तो वो 11 बैंड है और उसके बाद थोड़ी दूरी पे मंदिर है। तो हो गया, आज की हमारी यात्रा सफल होने वाली है बहुत जल्दी, है ना? आप भी आ रही है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत प्यारा। अच्छा, ये आ गई अपनी हरकतों पे। तो ये हमारे 11 बैंड यहाँ से शुरू होते हैं, तो ये पहला है और ऐसे करके 10 और आने हैं। जय हो गणेश भगवान। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए और ये सामने पे दिख रहा है माता का मंदिर, बस इतनी दूरी रह गई अब। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर पहुंच गए और मैं बताती हूँ, 9:54 हो रहे हैं, तो लगभग 10 बजे हम मंदिर पहुंच रहे हैं, बहुत ही अच्छी टाइमिंग है। दोस्तों 5-5, 6-6 लाइन लगी है और हमारा नंबर पता नहीं 10 बजे हम लाइन पे लग रहे हैं और पता नहीं नंबर कब तक आएगा, मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी आएगा, 1 घंटे से पहले बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा 6-6, 7-7 लाइन लगी है। फाइनली माता रानी के दर्शन भी होगी और ये देखो मंदिर कितने अच्छे ढंग से सजाया गया है और भीड़ तो इतनी है कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। तो दोस्तों दर्शन भी हो गए और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए है ना, बहुत ही अच्छे ढंग से आराम से जल्दी हमारा नंबर आ गया था। और बाकी अब हम आ गए हैं खाना खाने, प्रसाद ग्रहण करने और इसके बाद दीदी ने जाना है, भी कहा दीदी ने आयु बेबी को छोड़ा है घर पे अकेले, अकेले तो नहीं है, जीजा जी भी है लेकिन जाना जरूरी है और हम थोड़ी देर में जाएंगे, तो फिलहाल लगे हैं लाइन पे। ओ शालिनी मैडम आ रहे हैं नंबर। तो दोस्तों आ जाओ प्रसाद ग्रहण करते हैं, जय माता दी दोस्तों। ग्रहण, हाँ हाँ ग्रहण। तो अब इंतजार है देवी के बाहर आने का, जो मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाई थी अलग अलग गांव की देवी, तो वो थोड़ी देर में बाहर आएंगे। Thank you.
दोस्तों देवी भी मंदिर से नीचे आ गई है और अब तैयार है घर जाने की, तो हम देवी के साथ साथ में चलेंगे घर और थोड़ी देर में मिलेंगे आपको। चलो तो दोस्तों अंधेरा हमको यही हो गया है और अब बाकी हम भी घर चलते हैं क्योंकि काफी लेट होगी और अभी थोड़े यहाँ से दूर जाना है, तो चलो घर पे जाके मिलेंगे आपको। तो दोस्तों फाइनली घर हम पहुँच गए और घर हम पहुँच रहे हैं 6:30 बजे, इतनी लेट हम घर आ रहे हैं और सकल में 12 बज रहे हैं। इतनी थकान लग गया है मैं क्या ही बताऊँ आपको, और आज तो पैर भी ऐसे सुन्न पड़ रखे हैं, अभी इतनी थकान लगी यहाँ से अंशिया फिर वहाँ से वापस। और अभी मतलब कुछ दिनों से मैं इतना नहीं चली थी तो मतलब ज़्यादा चल के भी पैर दर्द हो रहा है, और ये दोनों देखो इनकी भी हालत ख़राब हो रही है, ईशा और कृष्णा सबकी हालत बेकार होगी आज। और मेरे तो कल से ही मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, मैं दर्द में ही गई आज भी, मेरे जब मैं उठी सुबह तो तब भी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी ठाने थी कि मैंने जाना है। तो फाइनली हम माता रानी के दर्शन करके आ गए। और दोस्तों आपने ब्लॉग पूरा देख लिया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और कैसा फील हुआ आपको आपने जब माता रानी के दर्शन किए। तो अगर आपको सच में ब्लॉग अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में जय मां अनसुईया और जय माँ ज्वाला जरूर लिखना। तो दोस्तों अब मैं भी चेंज करती हूँ और अभी मुझे एक दवाई खानी है और सीधे आराम करना है। वैसे भी हम पेट भर गए खा के हम आ रखे हैं, सारे रास्ते भंडारे लगे थे। और दोस्तों हाँ मुझे एक बात और कहनी है कि मतलब इतनी अच्छी सेवा है, इतनी श्रद्धा भक्ति है लोगों के मन में कि मैं क्या ही बताऊँ। वो तो भीड़ को देख के ही पता चल जाता है कि लोग कितने श्रद्धा भक्ति वाले हो गए हैं। और जो भंडारे वाला वो था तो मतलब सारे रास्ते भंडारे लगे हैं, ऐसे मतलब कोई यात्री बाहर से आएगा या कोई दूर से आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, सारे रास्ते आपको भंडारे मिलेंगे, चाय पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, खाने के लिए, खाने पीने के लिए, जो कुछ आपको चाहिए सारा कुछ मिलेगा। और ऊपर तो लगता ही है, ऊपर भी डेली भंडारे ही लगते हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो मतलब मन खुश हो गया देख के आज। तो साल भर से इसी दिन का इंतज़ार हमको रहता है कि कब अंशिया मेला आएगा और कब जाके हम अंशिया माता मंदिर जाएंगे। तो आज मन बहुत खुश हो गया, बहुत ज़्यादा थकान भी लगी है लेकिन बहुत तसल्ली भी हो रही है कि चलो हो गया। तो बहुत अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके, और आप लोगों ने भी ज़रूर दर्शन किए होंगे, जो लोकल लोग होंगे वो तो जाते ही हैं और उनको तो पता ही होगा सब कुछ, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो कभी नहीं आ पाए और जिन्होंने कभी अंशिया माता जी के दर्शन नहीं किए तो उन्होंने कर लिए होंगे। तो आप बताना ज़रूर कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो दोस्तों चलो अब मैं भी चेंज करती हूँ और फिर ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाएगा शायद, तो ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप बने रहें नीतू नेगी ब्लॉग के साथ। बाय।